नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अब जमाना बदल गया है, नई नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, लेकिन फिर भी आज भी हम अपनी पुरानी मान्यताओं को भूल नहीं पाए। कई मान्यताएं हैं जिन्हें आज भी हम जीते हैं। ऐसी ही मान्यताओं को लेकर एक खबर सामने आई है, जहां यूपी के बुंदेलखंड में ऐसी मान्यता है कि टिठरी नाम का पक्षी जितने अंडे देता है और उन अंडों में से कितने अंडे आपस में चिपके हुए हैं और शेष अंडों में आपस में कितना अंतर है, उतने महीने पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ देश में अच्छी खासी बरसात होती है और जो अंडे अलग रहते हैं उतने महीने कम बरसात होती है। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। बदलते विज्ञान के इस युग में बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में आज भी पुरानी परंपराएं जीवित हैं, जिनमें से एक परंपरा बारिश को लेकर है, जिसमें तिठरी पक्षी द्वारा खुले खेतों में दिए गए अंडों की संख्या के आधार पर आज भी लोग बारिश का अनुमान लगाते ही नहीं बल्कि उस पर पुनः विश्वास भी करते हैं। टिठरी नाम का ये पक्षी जितने अंडे देता है और उन अंडों में से कितने अंडे आपस में चिपके हुए हैं और शेष अंडों में आपस में कितना अंतर है, उतने महीने पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ देश में अच्छी खासी बरसात होती है और जो अंडे अलग रहते हैं उतने महीने कम बरसात होती है। दरअसल पुरातन काल से ही लोग इस मान्यता पर भरोसा करते हैं और इसी के सहारे खेतों में किसान बारिश के आगमन के पूर्व अपनी खेती की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जबकि वर्तमान में भले ही मौसम विभाग और कृषि विभाग किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देते हैं, लेकिन बुंदेलखंड का किसान आज भी टिठरी पक्षी के अंडों से बारिश का अंदाजा लगाता है। वहीं मौसम विभाग के अधिकारी का भी कहना है कि इस वर्ष अच्छी बारिश होने की संभावना है। बता दें, ये मान्यता हजारों वर्षों से पूरे बुंदेलखंड में प्रचलित है और आज भी चली आ रही है। ये पक्षी पूरे भारत देश में पाए जाते हैं और ये पक्षी 3 या 4 अंडे ही देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये पक्षी अपने अंडे किसी पेड़ या ऊंचे स्थान पर नहीं बल्कि ये अपने अंडे खेतों, नदी किनारे, नालों के पास या गड्ढे नुमा जमीन के पास देते हैं। इन अंडों का स्वरूप मिट्टी नुमा होता है, जिससे दूर से ही ये समझ में नहीं आता कि ये अंडा है। साथ ही ये पक्षी जहां पर भी अंडा रखता है वहां से काफी दूर बैठता है ताकि किसी व्यक्ति या जानवर को ये एहसास ना हो कि यहाँ अंडा रखा हुआ है। टिठरी के अंडा का बुंदेलखंड के किसानों में बड़ा ही महत्व है और यहाँ का किसान मौसम विभाग के दिए अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि टिठरी पक्षी द्वारा दिए गए इन्हीं अंडों के आधार पर ही अनुमान लगाता है कि कितने महीने और कितने बरसात होनी है। इस साल टिठरी ने 3 अंडे दिए, जिनमें 2 अंडे आपस में जुड़े हुए हैं, एक कुछ अलग है, जिससे किसानों का अनुमान है कि इस वर्ष 2 महीने अच्छी बरसात होगी, बाकी 1 महीने कम बरसात होगी। आपको भी बता दें, मौसम वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि 18 तारीख के बाद मौसम का संयोग बना रहेगा और मौसम बदलेगा, पानी गिरने की संभावना है। जिला निवारी से रिपोर्टर रुपेंद्र राय की रिपोर्ट। जो मत है कि 2 महीना अब ऐसा होगी, वो अगर फटका है एक तो एक को खड़बड़ रहेगी वैसा और 2 महीना अच्छी वैसा होगी। ऐसा होगी, नियम है कि अपन ई को अनुमान कहते हैं के 2 जुड़े तो अच्छी मानते हैं बात को के बैसेगा पानी, जो अपन हुए 4 जने इको समझते हैं पंचायत रूप में हो चाहे कोनो बात में हो, अगर अभी 4 धरे हुए अगर 4 ही जुड़े हुए तो 4 महीना अच्छी वैसा होती, अगर 2 जुड़े तो 2 महीना तो अच्छी वैसा होगी। 1 महीना कैसी हुई है? 1 महीना ऐसी हुई कि आज वैस का तो कल नहीं वैस है, कल न वैस तो वो 4 दिना न वैस है तो उन्हें तर पड़े, उन्हें तर पड़े तो अपन हो कौ मूंगफली में पानी देने पर है और फिर इसके बाद में अगर भगवान ने बैसा था तो अपनो मजा ही मजा है, है? किसान है वे टिटरी के अंडा के आधार पे मौसम वही को किसान वही को आधार कहते हैं टिटरी के अंडन से उसके आधार पे ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कहना जैसे अगर टिटरी के अंडा 4 इकट्ठे जुड़े हैं तो 4 महीना वर्षा होती है, अगर कोई अंडा खड़बड़ है तो बेसिक फुटकर वर्षा होती है और चाहे 3 अंडा हैं 2 जुड़े तो 2 महीना वर्षा अच्छी होगी और अगर एक दूर है तो वह कम वर्षा होगी। इसके यही अनुमान लगाते हैं अपन बुंदेलखंड के हिसाब से, यही बात है जो अनुमान किसान पानी का अंदाज ऐसे ही लगा लेते हैं, यही हिसाब से वो खेती बाड़ी करते हैं। अगर जैसे 4 अंडा जुड़े हैं तो भी और अच्छी फसल बहते हैं, जैसे सोयाबीन है पानी वाली, धान है और अगर कम वर्षा होती है तो और मूंग के लिए मिली यही फेंक देते हैं, बस और कुछ नहीं। मौसम विज्ञान के द्वारा बताया जा रहा है कि 18 तारीख के बाद मौसम का सहयोग बन रहा है और मौसम बदलेगा, पानी गिरने की संभावना है।
ऐसा भी बुंदेलखंड में ऐसा भी है कि ये टिड्डी पक्षी होता है और वो अपने अंडे देती है, तो उससे भी एक संभावना बनती है कि पानी गिरने की आशा रहती है। जितने भी अंडे होते हैं उतने ही पानी गिरते हैं, बारिश होने की ज्यादा संभावना।